हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है ना वो पूरी तरह से बंद कर देना। जैसे कि पहले एक बार बता दूं मैं आप लोगों को, हम लोगों ने इससे पहले जो वीडियोज देखे थे उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, एडमिशन का देखा था, रिटायरमेंट का देखा था, अब क्या देख रहे हैं, डिसोल्यूशन का देख रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप से रिलेटेड ये लास्ट चैप्टर है। इसमें क्या होता है कि जो पार्टनरशिप होते हैं ना वो पूरी तरह से हम बंद कर देते हैं। इसके पहले के जो वीडियोस देखा उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि एक पार्टनर या तो कंपनी में आ रहा था, सॉरी पार्टनरशिप फर्म में आ रहा था, या तो पार्टनरशिप फर्म से जा रहा था। यहाँ पे क्या होता है, पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म जो है वही बंद हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो डिसोल्यूशन होता है वो दो तरह से होते हैं, एक होता है पार्टनरशिप का और एक होता है पार्टनरशिप फर्म का। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन क्या होता है पहले वो समझ लो। जैसे एक बात समझो कि मान लो कि मेरे पास तीन पार्टनर्स हैं, यानी मेरी जो फर्म है उसमें तीन लोग हैं, ए बी और सी। ठीक है, इन तीनों ने आपस में मिलकर डिसाइड किया कि भाई हमें अब जो हमारा फर्म है वो नहीं चलाना है। तो इन तीनों ने क्या किया कि हम एक काम करते हैं, अभी अपना फर्म पूरी तरह से बंद कर देते हैं। यानी इन लोगों ने जो भी कंपनी के एसेट्स हैं, लायबिलिटीज वो सारी बेच दी और लायबिलिटीज पे कर दी, उसके बाद जो भी पैसे बचे वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए और फर्म बंद कर दिए। उसको क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें क्या होता है कि जैसे देखो कि मान लो तीन पार्टनर्स थे ए बी और सी, उसमें से सी ने बोला कि मुझे अब कंटिन्यू नहीं करना है, मैं कंपनी ये जो फर्म है वो छोड़ के जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो अपने पैसे लेके चला गया, उसको क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और जब पूरी तरह से कंपनी बंद हो जाए उसको क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्यों होता है, मतलब ये पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व क्यों होती है, उसके रीजंस क्या है, तो वो हम लोग थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो और क्लियर होते जाएगा हम लोगों को। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ रीजंस बताए हुए हैं जिनकी वजह से जो पार्टनरशिप होता है हमारा वो डिसॉल्व हो जाता है। तो जैसे अभी मैंने पहले ही बता दिया कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो अब हम लोग ये एक एक करके समझते हैं। जैसे पहला क्या लिखा है, म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है, तो एक बात समझो पहले कि हम लोगों को जैसे पता है कि अगर हमारी जो पार्टनरशिप है वो उसमें दो से ज्यादा लोग होते हैं, राइट। पार्टनरशिप का मतलब यही होता है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई भी बिजनेस चलाते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। तो यहाँ पे मान लो कि तीन लोग हैं, ठीक है, ए बी और सी, इन तीनों ने कोई एग्रीमेंट किया हुआ था या एग्रीमेंट करके ही हम पार्टनरशिप चलाते हैं। तो इन लोगों ने आपस में ये डिसाइड किया कि भाई अब ये बिजनेस जो है वो हम लोग को बंद कर देना चाहिए, या ये जो फर्म है अब हम लोग नहीं चला पा रहे हैं, या हमें नहीं करना है, कोई भी रीजन हो सकता है। और वो आपस में क्या कहते हैं, म्यूचुअल एग्री होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट बोलते हैं। वो तीन के तीनों आपस में पूरी तरह से एग्री होते हैं कि हमें अब ये फर्म जो है वो नहीं चलानी है। ठीक है, तो उसके बाद वो लोग वो फर्म क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दूसरा क्या लिखा है, हैपनिंग ऑफ इवेंट्स। जैसे हम लोगों को पता है कई बार कुछ पार्टनरशिप फर्म होती है वो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जैसे मान लो मुझे ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो मुझे लगा कि मैं अकेले नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया, मैंने दो तीन लोगों के साथ मिलकर वो स्टार्ट किया। तो मान लो कि वो तीन लोगों के साथ स्टार्ट किया था, यानी एक मैं, ए बी और सी, तीन लोग थे। तो हमारा जो मेन टारगेट क्या था, वो कैसे भी करके ये जो ब्रिज था वो कंप्लीट करना था। जब ब्रिज कंप्लीट हो गया, यानी जो हमारा इवेंट था वो कंप्लीट हो गया, जब हमारा इवेंट कंप्लीट हो गया तो हमारी जो पार्टनरशिप फर्म मैंने स्टार्ट की थी वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो काम है ना वो बंद नहीं होता है, हम तो फ्यूचर में भी एग्रीमेंट करेंगे, फ्यूचर में भी हम लोग ब्रिज बनाएंगे, बट यहाँ पे जो ये फर्म स्टार्ट किया था उसका जो मेन टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जब वो कंप्लीट हो चुका है तो ये फर्म क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद होता है बाय नोटिस। बाय नोटिस का मतलब, जैसे तीन पार्टनर्स हैं, अगर मान लो उनमें से कोई एक ऐसा है जिसे अब नहीं काम करना है तो वो कंपनी छोड़ के जा सकता है। लेकिन ये ऐसे सडनली नहीं होता कि आया और बोला भाई मुझे नहीं काम करना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है। सीधी सी बात है, अब फर्म इतने दिन से चल रही आए, बीच में बोल के चला जाए तो हमारा तो लॉस होगा ना। इसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, उसे एडवांस नोटिस देनी पड़ती है, मैं अब फ्यूचर में काम नहीं करने वाला, ये फर्म को बंद कर दो, या हम एक काम करते हैं ये फर्म बंद कर लेते हैं। तो उसे क्या करना पड़ता है, एडवांस नोटिस देना पड़ता है ताकि वो लोग जो भी प्रोसीजर्स होता है वो कंप्लीट कर सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होता है, बाय कोर्ट। जैसा हम लोगों को पता है हमारे कंट्री में कोर्ट बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं बिजनेस में बहुत मेन रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में भी वैसा ही है। अगर कोर्ट को लग रहा है कि ये जो फर्म है वो अब सही नहीं है,
वो चल नहीं रहा है बराबर, तो वो कोई भी रीजन कम अगर कोर्ट को सही लगे तो वो लोग नोटिस देके ये कोर्ट पूरी सॉरी पार्टनरशिप फर्म को बंद करवा सकते हैं। उसके रीजंस क्या हो सकते हैं कि मान लो जैसे हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो इलीगल है, अब इलीगल मीन्स वो अभी सही से काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग ने डिसाइड किया था भाई हम ये प्रोडक्शन का काम करेंगे, लेकिन हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने लगे वो भी विदाउट गवर्नमेंट परमिशन के, तो वो क्या हो गया इलीगल हो गया ना, तो वहाँ पे कोर्ट ऑर्डर दे सकती है बंद करने के लिए। या तो ऐसा हो गया कि हमारी कंपनी जो है हमारी जो फर्म है वो कंटिन्यू लॉस कर रही है, जो कंटिन्यू लॉस करी तो कोर्ट को लग रहा है कि ये फर्म अब कोई काम की नहीं है, यानी अब ये लोग कंपनी नहीं चला पा रहे हैं तो भी बंद कर देते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि उस हमारी वजह से किसी और का लॉस हो रहा हो, अगर बस कहते हैं ना थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी ने क्लेम कर दिया तो भी कोर्ट को लग रहा है भाई इनकी वजह से दूसरों का भी लॉस हो रहा है, ये कोई काम नहीं करे तो भी बंद कर सकते हैं। यानी कोर्ट को कोई भी रीजन जो सही लगेगा उसमें कोर्ट है ना हम लोगों को नोटिस देके या कोर्ट है ना जो भी एग्रीमेंट होता है या जो भी कहते हैं ना लॉ होता है वो पास करके हमारी फर्म को बंद कर सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है बाय कंपल्सरी। बाय कंपल्सरी का मतलब क्या होता है, कई बार कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें कंपल्सरी बंद करना ही पड़ता है, या जैसे हमने जो टारगेट लिया था वो कंप्लीट हो गया, या हमने जो टाइम डिसाइड किया था वो टाइम तक, जैसे हमने डिसाइड किया था कि 2 साल तक हम करने वाले हैं तो उसके बाद वो बंद करना ही करना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से जो हमारा पार्टनरशिप फर्म होता है वो क्या होता है डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर हुआ इतना, तो मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। डिसोल्यूशन का मतलब कंपनी है जो है हमारी पार्टनरशिप फर्म है उस वो पूरी तरह से बंद हो जाए, यानी कि जो काम कर रहे थे हम वो काम बंद कर दे, हमारे पास जो एसेट्स है उसको हम डिस्पोज कर दे, जो लाइबिलिटी है उसको हम पे कर दे, और पार्टनरशिप क्या पूरी तरह से बंद कर दे, उसको क्या बोलते हैं डिसोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो डिसोल्यूशन के टाइम पर हमें कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें डिस्पोज करना है तो कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे कि नहीं, तो कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। वो कौन कौन से अकाउंट है वो एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब हमारी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो उस टाइम पे ये कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन, यानी स्टेप वाइज है ना हम लोग एक एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है और हम लोग क्लोज करना पड़ता है। जैसे हम लोगों को पता है कि हमारी जो बैलेंस शीट होती है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे एसेट्स होते हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज होती है, कैपिटल होता है, कैश होता है, रिजर्व्स होते हैं, तो ये सारे हम लोग करेंगे क्या फिर जब कंपनी बंद हो रही है, यानी हमारी पार्टनरशिप जो है वो बंद हो रही है, तो हम इसका क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं इसको डिस्पोज कर देते हैं। डिस्पोज करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो उनको हम एक एक करके सेल कर देते हैं, लाइबिलिटी एक एक करके पे कर देते हैं, जो भी उससे पैसे आते हैं वो बाद में हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अगर बचे तो मतलब पहले तो लाइबिलिटी पे करोगे, अगर लाइबिलिटी पे करने के बाद बचे तो हम उसको क्या करते हैं आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जो रिजर्व्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ता है, वो देख लो कौन कौन से अकाउंट है। फर्स्ट क्या है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर थर्ड क्या है कैश और बैंक, एंड फोर्थ क्या था लोन अकाउंट। ये मैंने फोर्थ इसलिए लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा इफ एनी, यानी अगर लोन अकाउंट होगा तभी प्रिपेयर करना होता है, अदरवाइज प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। वो भी किसका लोन होना चाहिए, पार्टनर्स का लोन होना चाहिए। अगर अदर लोन है तो अदर लोन को हम अदर लाइबिलिटी की तरह प्रिपेयर करते हैं। अदर लोन का मतलब जैसे मान लो बैंक लोन है या किसी थर्ड पार्टी का लोन है तो उसको हम थर्ड पार्टी की तरह ही ट्रीट करेंगे, बट अगर वो पार्टनर्स का लोन है तो उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या तो उसको हम लास्ट में पे करेंगे। इसलिए ये मैंने लास्ट में अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ है या लास्ट में इसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और समझो कि रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। रियलाइजेशन का देखो वर्ड ही क्या लिखा है रियलाइज, रियलाइज का मतलब क्या होता है कि जो भी चीजें हुई वो रियलाइज होना। रियलाइज होना मतलब सेल कर रहे हैं ना एसेट्स, तो एसेट सेल करने के बाद कुछ पैसे मिलेंगे ना, यानी उसको क्या बोलते हैं रियलाइज बोलते हैं। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है कि जो भी हमारी एसेट्स हैं लाइबिलिटीज हैं उन लोगों को हम क्लोज करते हैं, बाद में उनसे रिलेटेड जो भी हमें इनकम हुआ, जो भी हमें हमें लाइबिलिटी पे किया, यानी जो भी पैसे मिले या जो हमने पे किया है उसकी जो सारी एंट्री होती है वो कहाँ पे करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में करते हैं। ठीक है, उसके बाद है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो नॉर्मली जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वैसे ही करते हैं, बस यहाँ पे क्या बैलेंस बीडी नहीं लिखते हम लोग, क्या करते सीधा पे कर देते हैं। उसके बाद आया कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट मतलब जो भी एसेट सेल किया तो उसकी वजह से पैसे मिलेंगे उसकी एंट्री करनी पड़ती है, लाइबिलिटी पे किया हुआ है तो लाइबिलिटी पे करने की एंट्री की है, लास्ट में पार्टनर्स को पे कर रहे हैं तो उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। एक बात और समझ लो, याद रखना कि जब भी हम कभी ये ट्रीटमेंट करते हैं यानी डिसोल्यूशन से रिलेटेड ट्रीटमेंट करते हैं तो याद रखना इसमें जो फाइनल अकाउंट बनता है यानी लास्ट में जो अकाउंट प्रिपेयर करोगे वो कौन सा करोगे कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट ऑलवेज क्या होता है यहाँ पे
टैली हो जाता है, यहाँ पे कैश अकाउंट टैली क्यों हो जाता है, उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे हम पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व कर रहे हैं, यानी अब पार्टनरशिप फर्म में कुछ भी बचा नहीं है। अगर कुछ भी बचा नहीं है तो कैश भी नहीं बचेगा, यानी लास्ट में कुछ भी करके हमारा जो कैश और बैंक अकाउंट है, कैश या बैंक जो भी प्रिपेयर करोगे, वो हमारा क्या होना चाहिए, टैली हो जाना, टैली मतलब इक्वल हो जाना चाहिए, क्लोज हो जाना चाहिए। तब हम समझेंगे कि हम जो हमने जो प्रोसीजर किया हुआ था वो प्रोसीजर हमारा एकदम राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी से बेसिक्स बता दिया हुआ है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं उसका एक प्रोफॉर्मा बता दूंगा, फिर बाद में हम लोग एक सम भी देख लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है, थैंक यू।